पश्चिम रेलवे रतलाम सेंटर से आए डीआरएम विनीत गुप्ता ने अपनी सहयोगियों के साथ सेल्दा स्थित एक प्लांट पर जहां रेलवे लाइन के विद्युत कार्य किए जा रहे हैं उसका निरीक्षण किया है। यहां जब वह पहुंचे हैं तो उनके साथ विभागीय अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे हैं। स्पेशल यह एक ट्रेन से यहां पहुंचे हुए थे और फिर उसके बाद में वह निवाड़खेड़ी पहुंचे जहां इलेक्ट्रॉनिक पावर वैगन के माध्यम से सेल्दा पावर प्लांट पहुंचे और बिजली के जो कार्य किए जा रहे हैं उसका उन्होंने बारीकी से निरीक्षण भी किया है। पूरे रास्ते रेलवे ट्रैक का निरीक्षण कर दोबारा निवाड़खेड़ी होते हुए शाम 7 बजे सनावत रेलवे स्टेशन के कार्य को देखा। वहीं ओवरब्रिज के रैंप पर भी उन्होंने बारीकी से निगरानी की है और यहां निरीक्षण किया है। संबंधित विभाग के अधिकारियों को उन्होंने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। यहां उन्होंने कहा है किसी प्रकार की कोई असुविधा किसी को नहीं होनी चाहिए। तो वहीं स्टेशन की विपरीत दिशा में रेलवे स्टेशन का द्वार बनाने हेतु ज्ञापन भी दिया गया जिसमें समाजसेवी डॉक्टर राजेंद्र के अलावा अन्य लोग मौके पर मौजूद रहे। वहीं डीआरएम ने पत्रकारों से चर्चा भी की। उन्होंने बताया है कि शिरूल में सेल्दा पावर प्लांट तक रेलवे लाइन के विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है जिसका निरीक्षण किया जा रहा है और दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। पहला जो सेक्शन था हमारा सेल्दा, तो हम एनटीपीसी का काम देखने गए थे और उसके बाद जो मुख्य उद्देश्य था ये था कि मथेला से लेके निमारखेड़ी तक का जो अभी हम इलेक्ट्रिफिकेशन चालू करने वाले हैं उसकी स्थिति देखनी थी। तो कुछ काम बाकी हैं, वो काम किए जा रहे हैं और उसके बाद जैसा आप लोगों को पता है निमारखेड़ी से लेके सनावत तक का जो गेज कन्वर्जन का नया ट्रैक है वो भी ऑलमोस्ट तैयार है। उसका भी हम 30 मार्च के पहले कोशिश कर रहे हैं कि इंस्पेक्शन करा के चालू किया जाए। उससे संबंधित कार्यों को देखने गए थे कि क्या स्थिति है अभी और कहाँ पर ज़्यादा जोर लगाना है, तो मकसद यही था। और कार्य लगभग समाप्ति पे हैं और आशा है कि यह सनावत तक का ट्रैक हम 30 मार्च के पहले कर पाएंगे। कहाँ तक चलेगी ट्रेन सर? ट्रेन का अभी कुछ नहीं बताया जा सकता। ट्रेन का अभी डिसीजन कुछ हुआ नहीं है, वो कुछ डिसीजन समय लेगा, उसके बाद ही आपको हम बता पाएंगे। सर अगला जो ब्लॉक महू से लेके ओंकारेश्वर तक का है उसके लिए काम कब शुरू हो पाएगा सर? ये काम पूरा होने के बाद डिप्टी सी साहब उसका अभी लैंड एक्विजिशन अभी प्रोसेस में है। जैसे लैंड एक्विजिशन हम कर लेंगे उसके बाद हम टेंडर अप्रूव कर देंगे। अभी लैंड एक्विजिशन प्रोसेस में है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमने सारे प्रपोजल तो सबमिट कर दिए हैं, तो जैसे ही लैंड हमें मिलेगा दैन प्रोसेस जो ट्रैक है उसी के ऊपर कन्वर्शन होगा कि अलग से बनेगा कुछ? नहीं, उसमें हम करीब जो है हमारी जो ट्रैक लेंथ है करीब 21 किलोमीटर के आसपास बढ़ रही है। ओंकारेश्वर तक की बात कर रहे हैं, ओंकारेश्वर महू तक तो अभी समय लगेगा। महू तक में क्या है, जो घाट सेक्शन है हमारा, घाट सेक्शन में इसी ट्रैक के अलाइनमेंट पे नहीं जा सकते क्योंकि वो ग्रेडियंट जो हमारा 1:37 का है उस पे ब्रॉड गेज नहीं चल सकती। तो इसलिए पूरा का पूरा 21 किलोमीटर का हमको डाइवर्शन करना है। उसमें चूंकि हमारी लैंड से पूरा बाहर चला गया तो लैंड एक्विजिशन इन्वॉल्व है, फॉरेस्ट लैंड भी है, रेवेन्यू लैंड भी है और प्राइवेट लैंड भी है, और सबसे बड़ी बात कि उसके रास्ते में टनल हमें बनानी है। तो उसका ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया ना आपने? अभी चल रहा है, चल रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट फाइनल स्टेज में है लेकिन उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा, जल्दी नहीं होगा वो टाइमलाइन। क्या सिमरोल साइट से टर्न हो रहा है क्या सर? घाट सेक्शन जो आ रहा है नहीं, पातालपानी स्टेशन जो है, हाँ, पातालपानी स्टेशन से थोड़ा सा आगे करीब बढ़िया बेगा, बढ़िया बेगा सिमरोल के पास आ गया।